गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो सभी? बस कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। फाइन, एकदम बढ़िया। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम अभी अपनी। पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो जल्दी से आंसर दो इसका, क्या है? किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना या ऑक्सी वन, वैन नहीं है, ऑक्सी वन है, की घोषणा की है? ऑक्सी वन की घोषणा की है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। ए, वो अंकुर स्कीम थी वहां पे, वहां पे अंकुर स्कीम थी वो। इसका आंसर है हरियाणा, इसका आंसर है हरियाणा। देखो यहाँ पे प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला है बच्चा? हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हर एक एकड़ के, ठीक है ना, कितना है ना, हर एक एकड़ पे जो है ना 10% एरिया पे जो है पेड़ लगाए जाएंगे। और ये बोला है कि जो 75 साल से ज्यादा बड़ा पेड़ होगा, 75 साल से ज्यादा बड़ा पेड़ होगा, उस पे 2500 रुपए उसके रख रखाव के लिए पेंशन देगी सरकार। क्या देगी? 2500 रुपए पेंशन देगी। तो याद रखना, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। और अगर कोई किसान, ठीक है, अगर कोई किसान क्या करता भैया, अगर कोई किसान कोई ऐसा मतलब वन बनाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे 3 साल तक। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से COVID-19 रोगियों के होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। कितने जिलों में? सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान। ये शुरू किया गया बच्चा 112 जिलों में। ये कितने जिलों में शुरू किया गया है? 112 जिलों में शुरू किया गया है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने जो शुरू किया है वो कितने जिलों में शुरू किया है? 112 जिलों में शुरू किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या कहता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फॉर अ सेकेंड 5 ईयर टर्म एज ए चीफ ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बींग बिगनिंग January 1, 2022। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि उनका जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ है उनका सेकेंड टर्म उन्होंने बोल दिया है कि 1 जनवरी 2022 से उनका सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वो किस कंट्री से हैं, किस कंट्री से हैं जो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका पूछा गया है कि वो किस देश को बिलोंग करते हैं, किस देश के हैं। सी,
बिल्कुल सही बात, पोर्तुगल। शाबाश, इनका तो पता ही हो क्योंकि एक टर्म इनका निकल चुका है, 1 जनवरी से दूसरा टर्म शुरू हो जाएगा 5 साल के लिए। तो यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि भैया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो यूएन सुरक्षा परिषद है, ठीक है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कमेंट करो और जल्दी से बताओ। टोटल मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर्स कितने हैं, जल्दी से बताओ। ये तो 5 परमानेंट हुए ना बच्चा, ये तो 5 परमानेंट हैं, इनके अलावा टोटल मेंबर्स कितने हैं, 5 परमानेंट, और जो परमानेंट नहीं है वो कितने मेंबर है रश्मि? अगर तुमसे पूछा जाएगा टोटल मेंबर्स तो आप बच्चा लिखोगे 15 मेंबर्स टोटल है, 15 मेंबर्स टोटल है। अगर तुमसे पूछा जाएगा परमानेंट कितने हैं, अगर पूछा जाएगा परमानेंट कितने हैं तो परमानेंट में लिखोगे बच्चा 5। वहां ऑप्शन में दोनों देगा, वहां ऑप्शन में दोनों देगा, ठीक है। तो अगर तुमसे, हाँ बिल्कुल 15, शाबाश, ठीक है, 5 प्लस 10, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और जो ये 10 मेंबर हैं कितने साल में चेंज होते हैं, 10 मेंबर कितने साल में चेंज होते हैं, ये 10 मेंबर कितने साल में चेंज होते हैं, ये भी क्वेश्चन है। बिल्कुल, हर 2 साल में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इन एवरी 2 ईयर्स, इन एवरी 2 ईयर्स। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। बंधन बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई नोट टू रिपॉइंट होम एज इट्स एमडी एंड सीईओ फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। बंधन बैंक ने आरबीआई से परमिशन ली है कि वो अपने सीईओ को कंटिन्यू करना चाहती है, यानी कि जो अब सीईओ हैं वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उनके बैंक के सीईओ का नाम क्या है, गुड मॉर्निंग निवी, उनके सीईओ का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ साहब, बहुत बढ़िया, 4 का D, बिल्कुल, चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष। हाँ ये बताओ यार, ठीक है, कि क्या है क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने, ठीक है, जल्दी से बताओ, एक सर्वे कराया, बताओ जल्दी से। यहां पूछा है कौन सा विश्वविद्यालय विश्व का शीर्ष शोध विश्वविद्यालय है, विश्व का शीर्ष शोध विद्यालय है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, जल्दी से बताओ आंसर।
देखो बच्चा, विश्व का पूछा गया है, ठीक है ना, कौन सा विश्वविद्यालय विश्व का शीर्ष विश्वविद्यालय है? तो विश्व का शीर्ष जो बताया गया है वो बताया गया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंडिया का जो बताया गया है, इंडिया का ये बताया गया है, ठीक है। इंडिया का बेस्ट जो बताया गया है वो, ठीक है ना, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? तो वर्ल्ड का पूछेगा तो ये, इंडिया का पूछेगा तो आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर? बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि पैसे के रूप में किसने, लेकिन मैंने जल्दी उठाना शुरू कर दिया तुम लोगों को ना, मैंने जल्दी उठाना शुरू कर दिया ना तुम लोगों को। बिल्कुल सही बात है, एल सेल्वाडोर। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है बच्चा, कैपिटल क्या है इसकी, जल्दी से बताओ कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी सैन सेल्वाडोर, कैपिटल है इसकी सैन सेल्वाडोर। अब तुमसे यहां पे करेंसी पूछी जाएगी, करेंसी क्या बताओगे? करेंसी बता दो जल्दी से, करेंसी क्या होगी इसकी? जल्दी से करेंसी बता दो मुझे, क्या होगी इसकी? करेंसी बता दो जल्दी से, क्या होगी इसकी? बिल्कुल सही बात है, रश्मि ने एक तो लिख दिया बिटकॉइन होगी, बिल्कुल सही बात है, बिटकॉइन होगी, ये तो डिजिटल करेंसी होगी, बिटकॉइन को भी अब उसमें इंक्लूड करोगे, और दूसरी होगी आपकी यूएस डॉलर, ठीक है, दो करेंसी हो गई, क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन को भी क्या कर दिया है, डॉलर और बिटकॉइन, बिल्कुल सही बात है रश्मि, क्योंकि बिटकॉइन को भी उन्होंने क्या बता दिया है, लीगल टेंडर बता दिया है, ठीक। चलो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर? इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया, जल्दी से बताओ। अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है, क्वेश्चन ये है हमारा। हाँ, विनीत के पास बिटकॉइन पड़े हैं, चलो सही है, बिटकॉइन पार्टी देगा सबको। बच्चा जो सेवंथ का सी लिखा है, ये सीबीआई के डायरेक्टर, बच्चा सेवंथ का सी जो लिखा है तुमने, ये सीबीआई के डायरेक्टर है, ये सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, और ये है इसका आंसर, ए होगा, ए होगा। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसमें से एक जो है अनूप चंद्र पांडे, इनको नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, और सुबोध कुमार जो थे वो आपके सीबीआई के डायरेक्टर थे। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द रीजनल अवार्ड ऑफ एज एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो जापान? जल्दी से बताओ, एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
बिल्कुल RS-ODS है इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, विच ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड, कहाँ के चीफ मिनिस्टर ने शिशु सेवा, शिशु सेवा एक स्कीम है जो COVID-19 में, ठीक है, जो COVID-19 में जिनके मम्मी पापा की डेथ हो गई है उसके लिए। जल्दी से बताओ किस स्टेट ने स्टार्ट किया शिशु सेवा। टाइम का भी बिल्कुल सही बात है, इसमें जो है 3500 रुपये महीना दिए जाएंगे बच्चों को। कितने दिए जाएंगे? 3500 रुपये महीना बच्चों को दिए जाएंगे शिशु सेवा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ, यहाँ पूछा गया है कि भैया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस दैट फोर्थ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी, कहाँ पे होगी फोर्थ। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। दस का भैया पटियाला है, ठीक है। कब हुई थी? 21 जून को हुई थी। कब हुई थी? 21 जून को हुई थी। पटियाला है इसका आंसर, कब हुई थी? 21 जून को हुई थी बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवा राइनो सेंचुरी, जीवा राइनो सेंचुरी लोकेटेड इन विच कंट्री, जीवा जो है वो किस कंट्री की राइनो सेंचुरी है, यानी कि वहां पे क्या मिलते हैं? राइनोसोरस मिलते हैं, है ना। जल्दी से बताओ कहाँ पे। इलेवेंथ है उगांडा। उगांडा की कैपिटल क्या है बच्चा? कंपाला। क्या है बच्चा? कंपाला तो कैपिटल हो गई। और उगांडियन, उगांडियन शिलिंग, उगांडियन शिलिंग जो है वो इसकी करेंसी हो गई, ठीक है, वो इसकी करेंसी हो गई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से बताओ। उगेंडियन शिलिंग है निवी, उगेंडियन शिलिंग, खाली शिलिंग नहीं लिखोगे, ठीक है। ये तो चीफ जस्टिस है ना बच्चा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं संजय यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं संजय यादव, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कौन है? संजय यादव है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना जो है, जो तुम लोग सी लगा रहे हो, एनवी रमन्ना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। वही दिमाग हमारा वही देखता है जो हमें पता होता है। संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, रख दो और दुनिया को हराते रहो, हराते रहो नहीं है भैया, धड़का उनका दिल धड़कते रहो, ठीक है ना, उनका दिल धड़काते रहो। विश्व रक्तदाता दिवस का विषय है यह, किस दिन मनाया गया था, किस दिन मनाया गया था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। और इसे
ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेन कंट्री कहते हैं ना, एक होस्ट कंट्री बोला जाता है, ठीक है? होस्ट कंट्री किसको बताया गया था इस बार का? होस्ट कंट्री कौन था इस बार का? होस्ट कंट्री कौन था? 14 जून होता है, बिल्कुल सही बात है। होस्ट कंट्री कौन था ये और बता दो जल्दी से कि भैया होस्ट कंट्री कौन था इसका, इसे होस्ट कराने वाला कंट्री कौन था, जल्दी से बता दो। जिनके पास ज्यादा खून होगा, जल्दी से बताओ। इटली था बच्चा, कौन सा था? इटली, याद रखना, ठीक है? इटली था। होस्ट कंट्री कौन था? इटली को बोला गया है इसका होस्ट कंट्री इस बार। तेजस्विन शंकर जो है, ठीक है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओरिगॉन, ओरिगॉन में, ठीक है, यूएसए में, 2.23 मीटर एट यूजीन ओरिगॉन, ठीक है, वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताओ। हरियाणा है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, ठीक है, इसका आंसर क्या है? दिल्ली है। ये तो बी या सी नहीं, दिल्ली है भैया, दिल्ली, दिल्ली में भी प्लेयर होते हैं, ठीक है, दिल्ली में भी प्लेयर होते हैं, दिल्ली है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च फॉर द 7th इंटरनेशनल डे, ठीक है, लोगों के अंदर योगा को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर योगा को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है, कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? कौन सी मोबाइल ऐप? कोई नहीं रोशन, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। नमस्ते योगा, ठीक है, कौन सी ऐप है? नमस्ते योगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, हाँ, कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू के बाहरी इलाके में पाजीन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी, उनका नाम क्या है? किसका? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने आधारशिला रखी, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। डी, रश्मि ने आंसर दिया डी, बिल्कुल सही बात है। मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मैं जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। हु हैज ऑथर्ड ए बुक होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड किसने लिखी है?
होम इन द वर्ल्ड किसने लिखी है? बिल्कुल सही बात है, अमर्त्य सेन ने लिखी है। किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने लिखी है। ठीक है, अमर्त्य सेन ने लिखी है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में इंडिया का जो पोजीशन है वो 67th है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? फर्स्ट पोजीशन किसकी है? बाकी ऑप्शंस को नहीं जानते, वही सही बात है। अमर्त्य सेन ही पढ़ा लिखा लगा आदमी लग रहा है यहाँ पे, तो अमर्त्य सेन ही लगा देंगे ना। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। एटीन्थ का ए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज मैं बता रहा हूँ। कल रश्मि ने क्वेश्चन बताया था, नेमी नाथ, वो रश्मि नवनीत ने, नेमी नाथ वाला, कि नेमी नाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर है ना। मैं इसको सही कर देता हूँ बच्चा, कि मैंने तुम्हें 22वां बताया था, तो आंसर 22 ही ठीक है। ठीक है, एक और अंकल हुए हैं जिनका नाम था नामी नाथ। ठीक है, ये दो अंकल हुए हैं एक जैसे नाम के, ये 21वें हैं। ठीक है भैया, नेमीनाथ 22वें हैं और नामीनाथ 21वें। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो नवनीत ने मेरे को बोला था कि सर नेमीनाथ 21 हैं कंफर्म, नहीं, नेमीनाथ 22वें ही हैं, नामीनाथ 21वें हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, दोपहर वाली क्लास में फिर से दूर कर दूंगा। ठीक है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नेमीनाथ 22वें हैं, नामीनाथ 21वें हैं। ठीक है, पता नहीं इन्हें दोनों को एक जैसा नाम रखने की जरूरत क्या थी। हाँ, नेमीनाथ 23 भी बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 25 भी बनेगी ना, तो बनेगी, तो नेमीनाथ 25 भी बनेगी अब। ठीक है, नेमी और नामी स्पेलिंग में एक, सिर्फ एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, ई और ए। नेमीनाथ है तो 22वां, नामीनाथ है तो 21वां। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ठीक है, इसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस। इसकी थीम क्या थी बच्चा? एक्सेस टू जस्टिस इसकी थीम थी, एक्सेस टू जस्टिस थीम थी, जल्दी से बताओ। अच्छा, निवी का निकनेम निमी है, सही है भाई साहब, ये भी सही है यार, गजब। निमीनाथ, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है 15 जून, इसका आंसर है 15 जून। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर्ड विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्रोन डिलीवरीज। हाँ, फ्लिपकार्ट ने ड्रोन डिलीवरी के लिए मेडिकल सप्लाई की किस स्टेट के साथ पैचअप किया है या एक पैक्ट साइन किया है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा।
रॉ के बारे में बता दो, रॉ के फॉर्म कब आ गए? इतने सीक्रेट लिया है कि सिर्फ निवी को पता लगे। इसका आंसर है बच्चा तेलंगाना, इसका आंसर है तेलंगाना। क्या निवी मजाक करेगी? सही में आधी बात तो मुझे मजाक लगने लगती है मेरे। तो रॉ में ऐसे नहीं होगा ना निवी, रोज चेक करती है। रॉ में कैसे आ गए फॉर्म? मुझे तो ये नहीं समझ में आया, उन्होंने इतने खुले फॉर्म निकाल कैसे दिए? मैं वही कह रहा हूँ ना निवी, रॉ के फॉर्म कहाँ से आ गए? रॉ के फॉर्म आ गए। बताओ अगला क्वेश्चन। जो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान का क्या नाम है, जो मिल्खा सिंह की वाइफ भी थी? मिल्खा सिंह की वाइफ भी थी, जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होगा। किसका? सी, निर्मल कौर। ठीक है, वैसे इनका नाम जो था निर्मल सैनी भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं तुम्हें, निर्मल सैनी भी मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं निर्मल सैनी भी मिलेगा। अच्छा हुज वॉन गोल्ड मेडल इन 53 कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन इन वर्सा बाय डिफीटिंग यूक्रेनियंस क्रिस्टीनिया बेरेजा? ठीक है, किसने जीता है जल्दी से बताओ। रेसलिंग का है, रेसलिंग का, रेसलिंग में किसने जीता है? बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगट, इसका आंसर होगा बच्चा विनेश फोगट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया के 14वें सबसे धर्मार्थ देश के रूप में स्थान पर है। इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, उसके बाद कौन सा देश है जल्दी से बताओ। देखो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, सब लोग ए बता रहे हैं भी कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में देख लो एक बार और सोच लो।
मुझे डाउट लग रहा है इस पे यार, ऑप्शन में नहीं है। सेकंड नंबर पर जो है ना बच्चा, हाँ केनिया फिफ्थ है, जर्मनी है पक्का सेकंड, मुझे लग रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया था सेकंड, ऑस्ट्रेलिया शायद सेकंड था, एक बार देखना पड़ेगा इसका, एक बार देखना पड़ेगा। चलो 23 वाले को भी होल्ड पर रखते हैं, अभी चेक करेंगे इसको, ठीक है 23 को होल्ड पर रखते हैं, अभी चेक करेंगे, मुझे डाउट है इस पे। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑप्शन फॉर कस्टमर्स टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस वाया ए मंथली सब्सक्रिप्शन ईएमआई इंस्टेड ऑफ पेइंग द एनुअल प्रीमियम अप फ्रंट? किसने स्टार्ट किया, किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए वार्षिक प्रीमियम का अग्रिम भुगतान करने के बजाय मासिक सदस्यता के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा खरीदने का विकल्प पेश किया है? सेकंड केनिया ना भाई, इसको आंसर, इसका आंसर केनिया है, केनिया है भैया, इसका आंसर केनिया है, उसका आंसर सेकंड पे केनिया है। फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, थर्ड पे नाइजीरिया, इसका आंसर केनिया है भैया, सेकंड नंबर पे केनिया है। इसका आंसर बताओ, किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए वार्षिक प्रीमियम का अग्रिम भुगतान करने के बजाय मासिक सदस्यता ईएमआई के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा खरीदने का विकल्प पेश किया है? जल्दी से बताओ, है ना, ये बस एक वर्ड की हेर फेर हो गई, इसका है नवी जनरल इंश्योरेंस, निवी नहीं है, नवी जनरल इंश्योरेंस है। ठीक है, नवी जनरल इंश्योरेंस, नवी जनरल इंश्योरेंस मत समझ लेना तुम लोग, नवी जनरल इंश्योरेंस। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप ए वैदिक एजुकेशनल एंड संस्कार बोर्ड टू रिव्यू द नॉलेज ऑफ एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स एंड कनेक्ट द लर्निंग्स ऑफ द वेदास विद साइंस एंड योगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, किसने स्टार्ट किया है? पच्चीस का ए है राजस्थान, 25 का ए है राजस्थान, 25 का ए है राजस्थान। आज के क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं फिर से एक बार, ठीक है, और अभी तो शाम को मिलेंगे ही हम, है ना। चलो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जय हिंद जय भारत।